नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे मुखिया जी की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि पिछले दिनों जब जैसे ही पंचायत चुनाव की मतगणना समाप्त हुई उसके बाद से कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिसके बाद से ये लगने लगा कि अब जो है पंचायतों में जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा देने की जरूरत है, चाहे वो मामले कुछ भी रहे हो, आपसी रंजिश करा हो या फिर चुनावी रंजिश कर रहा हो। लेकिन मामले जो है कई सामने आए उसके बाद से इस तरह के मामले अब निकल कर सामने आए हैं। बिहार में पंचायत चुनाव समाप्त हो गया, अब जनप्रतिनिधियों को शपथ दिलाने का शेड्यूल जो है वो भी जारी हो गया है। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद से प्रदेश में जीते हुए प्रतिनिधियों पर हिंसा की घटना बढ़ गई है। ऐसे में अब बिहार सरकार एक्शन के मोड में आ गई है। अब जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर गृह विभाग को एक पत्र लिखा गया है। पंचायती राज विभाग की तरफ से लिखे गए पत्र में साफ साफ कहा गया है कि नव निर्वाचित प्रतिनिधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। इस पूरे मामले को लेकर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि चुनाव समाप्त होने के बाद नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर हिंसा मामले भी खबरें जो है वो लगातार सामने आ रही है। ऐसे में इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जीत हासिल करने वाले जनप्रतिनिधियों को शपथ ग्रहण शुरू होने वाला है, इसके बाद ही जिला परिषद अध्यक्ष, प्रखंड प्रमुख, उप मुखिया और उप सरपंच जैसे पदों के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रतिस्पर्धा के कारण ही कई जगह पर हिंसक घटनाएं होती है और सरकार नहीं चाहती कि नव निर्वाचित त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रतिनिधियों की सुरक्षा पर कोई खतरा हो। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरियों के सभी प्रतिनिधियों को सुरक्षा मुहैया कराना आवश्यक हो गया है, इसलिए गृह विभाग को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए पत्र लिखा गया है। अब इंतजार इस बात का है कि गृह विभाग इस मसले पर कब और किस तरह से संज्ञान लेता है और जनप्रतिनिधियों को कितनी सुरक्षा मिल पाती है, यह तो आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा। लेकिन एक तरह से कह लें कि यह मसला जो है अब निकल कर सामने आ गया है कि जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। हमने शुरुआत में ही कहा था कि वो कई तरह के मामले हैं जो कि जनप्रतिनिधियों को के ऊपर जो हुए हिंसक हमले हैं उसको लेकर जो है अब ये मामला सामने आया है जिसमें उनकी सुरक्षा की बात कही जा रही है। खास करके अगर हम मुखिया की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा जो मामले सामने आए वो मुखिया के थे और उसके बाद बाढ़ के थे। अब बाढ़ के मामलों को लेकर अगर हम कहें तो नल जल योजना को लेकर जो है उनमें जोड़ा गया। दूसरा एक कारण यह भी था कि आपसी रंजिश लोगों के बीच में रही। दूसरा चुनावी कारण भी रहा, क्योंकि हारे हुए उम्मीदवार और जीते हुए उम्मीदवार इन दोनों के बीच में जो है चुनावी रंजिश तो देखने को मिलती ही है। अब जो है वह एक दूसरे के बीच में घातक होता दिखाई दे रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर जो है अब पंचायती राज मंत्री ने जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा की बात की है। ऐसे में अब देखना है कि उन्हें सुरक्षा कब और किस तरह से मिलती है। बिहार और बिहार की और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।